हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाइंडिंग एनर्जी एंड न्यूक्लियर मास। ये बाइंडिंग एनर्जी आपने कई बार पढ़ा होगा। बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है? किसी अगर मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ या अगर आप एटम की भी बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है कि उस एटम को या उस न्यूक्लियस को बांधे रखने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा, हिंदी में बंधन ऊर्जा। वो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के केस में क्या हो रही है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है यानी कि जो न्यूट्रॉन्स है, जो प्रोटॉन्स है, उनको आपस में बांध के रखने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा। और इसका रिवर्स भी ट्रू है। इसका रिवर्स ये कहें कि किसी न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी दी जानी है या किसी न्यूक्लियस को तोड़ना है तो जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो कहलाएगी आपकी बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि किसी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या कैपिटल एन और जो प्रोटॉन्स है उसकी संख्या कैपिटल जेड लेते हैं। और यहाँ पर हम ये बताते हैं कि जो मास नंबर है ए वो क्या शो करता है, उसमें टोटल जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसकी संख्या को शो करता है। और जेड क्या शो करता है, जो आपका जेड है, जेड क्या शो करता है, जेड शो करता है कि किसी न्यूक्लियस के अंदर कितने आपके प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से किसी एटम के सिंबल को लिखा जाता है या न्यूक्लियस के सिंबल को लिखा जाता है वो है जेड नीचे और एक्स बीच में और ए ऊपर। एक्स जो है वो एलिमेंट हो जाएगा जिसका वो न्यूक्लियस है और ए जो है उसका मास नंबर हो जाएगा और जो जेड है वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा है कि एक तो होते हैं आइसोटोप, एक होते हैं आइसोटोन और कुछ होते हैं आइसोबार्स। ठीक है, ये होते क्या हैं तो देखते हैं भाई। सबसे पहले जिसका न्यूक्लियाई विथ सेम जेड यानी कि जिसमें मान लीजिए दो न्यूक्लियस आपके पास और उनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या सेम है तो ये दोनों केस में जेड सेम हो गया। अगर जेड सेम है तो इसको कहेंगे आइसोटोप। जैसे कि एग्जांपल लें आपका 1H2, 1H3 जो है ये यहाँ जो लिख रखा है ये ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये बेसिकली क्या है, दे आर आइसोटोप्स। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर किसी के अंदर ए सेम है लेकिन जेड डिफरेंट है, जेड यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है तो उसको हम कहेंगे आइसोबार्स। ठीक है, और अगर न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, न्यूट्रॉन्स आर सेम, देन दे आर नोन एज आइसोटोन्स। ठीक है, तो आइसो टोन आपको इस तरह से मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं। सिंस द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स आर वेरी स्ट्रांगली बाउंड, अब हम अपनी बात पर आते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है। तो आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो बांध के रखते हैं इन न्यूक्लियाई को, इसकी वजह से ये स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। तो अगर मुझे इस न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकालना है न्यूक्लियस से तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने फोर्स से या जितनी एनर्जी से वो आपस में बंधे हुए हैं उतना ही फोर्स या उतनी ही एनर्जी देके या उससे ज़्यादा एनर्जी देके उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकालना है तो हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में एनर्जी देनी होती है। और ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस कौन सा है, छोटा न्यूक्लियस है कि हैवी न्यूक्लियस है। हैवी न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकालना आसान है और स्मॉल न्यूक्लियस में से न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकालना टफ है। इसके कई कारण हैं जो हम आगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल में पढ़ेंगे,
टू ब्रेक ए न्यूक्लियस सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज टू बी सप्लाइड टू द न्यूक्लियस. दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. इसी ऊर्जा को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं. इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इसका रिवर्स भी ट्रू है. कन्वर्सली अगर हम ये कहें कि किसी न्यूक्लियस को बांधने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसको बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे, ठीक है. या फिर व्हेन इंडिविजुअल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कम्स टुगेदर एंड इंट्रैक्ट देम द एनर्जी विच कम्स आउट इज बाइंडिंग एनर्जी. इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब दो मान लीजिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को हम पास में ला रहे हैं और पास में ला के हम उसको जब पास में लाएंगे तो वो इंट्रैक्शन करेंगे या वो एक दूसरे से अटैच होंगे, तो उस केस में जो एनर्जी निकलेगी वो भी आपकी बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में होगी, ठीक है. अब अपने एक नियम पढ़ा है आइंस्टीन का, मास एनर्जी रिलेशन, है ना. ये मास एनर्जी रिलेशन क्या है, आपने कई बार इसको पढ़ा है, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर. इसमें हम ये देखते हैं कि C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, M है मास और E है एनर्जी. तो एनर्जी और मास के बीच में एक रिलेशन है. तो ये रिलेशन क्या शो करता है, और ये रिलेशन ट्रू है न्यूक्लियस के केस में एग्जैक्टली, क्योंकि ये रिलेशन जो है ये आपका जो है क्वांटम मैकेनिकली, या क्वांटम मैकेनिकली भी कह सकते हैं इसको, है ना. यानी कि ये आपका जहाँ पर आपका सिस्टम बहुत छोटा है ये एनर्जी और मास का रिलेशन वहाँ पर बहुत अच्छे से लागू होता है. तो जहाँ पर आपका न्यूक्लियस है वो ऑलरेडी बहुत छोटा सा एक सिस्टम है, तो उस न्यूक्लियस के केस में आप ये देखेंगे कि जो मास है अगर उसमें चेंजेस आते हैं तो वो आपको एनर्जी के फॉर्म में मिलेंगे. इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर आप किसी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में पास में लाते हैं, तो पास में लाने पर वो जब दोनों जुड़ जाएंगे तो उनको जोड़ने के लिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी उनके मास के अंदर जो चेंजेस आएगा उसके इक्विवेलेंट होगी. या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी न्यूक्लियस में से आप न्यूक्लियंस को बाहर निकाल रहे हैं, तो न्यूक्लियंस को जब आप बाहर निकालेंगे तो न्यूक्लियस टूटने से पहले और टूटने के बाद में उसके मास में जो चेंजेस आएगा उसको मास डिफेक्ट बोलते हैं. वैसे डेल्टा एम अगली स्लाइड में देखेंगे, डेल्टा एम तो डेल्टा एम या एम कहें जो मास का डिफरेंस है, अगर उसको मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे एनर्जी मिलती है. तो ये है आपका मास एनर्जी रिलेशन. सो अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टीन, द मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट. द मास ऑफ ए बॉडी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी इन सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस एंड वाइस वर्सा. दस ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर शोज दैट द मास एम ऑफ ए बॉडी इफ कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू एनर्जी produces an equivalent amount of energy mc square where c is the velocity of light. Okay. अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ग्राम कोई न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर मैटर है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो एनर्जी में, तो कितनी एनर्जी मिलेगी. एक ग्राम अगर किसी न्यूक्लियस में चेंजेस आ रहे हैं मास के अंदर, कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी. अगर कम हो रहा है तो कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसको तोड़ने के लिए, और या फिर अगर आप उस एक ग्राम को उस न्यूक्लियस के अंदर जोड़ रहे हो तो कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसको जोड़ने के लिए. तो ये जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं 9 × 10⁻³ जूल्स, ठीक है. तो इससे आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग रहा है कि हो क्या रहा है, क्या 9 × 10⁻³ जूल एनर्जी कम होती है. ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है. 1 ग्राम ऑफ न्यूक्लियर मैटर व्हेन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी दिस इज इक्विवेलेंट टू 9 × 10⁻³ जूल्स. जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे देखेंगे इसको. तो जो बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन आपका इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन क्या शो कर रहा है,
ई वी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम हो गया मास डिफेक्ट और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको बाइंडिंग एनर्जी दे देगा। बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। किसी न्यूक्लियस के केस में अगर मैं ये बाइंडिंग एनर्जी निकालूँ तो कैसे निकलेगी? तो एक न्यूक्लियस जिसका कि टोटल मास कितना है, मास एम कैपिटल एम, और उसमें ए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है और जेड प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो ये इसका टोटल मास है। और अगर मैं इसका इंडिविजुअल मास निकालूं, इंडिविजुअल यानी कि देखो प्रोटॉन मान लीजिए जेड जेड प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का मास है एम पी, ठीक है। और अगर न्यूट्रॉन का मास है आपका एम एन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, ए है टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जेड है प्रोटॉन्स, तो ए माइनस जेड हो गया न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस जेड इंटू एम एन। तो ये जो चीज़ आ रही है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ये हो गया टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, है ना, जब हम अलग अलग न्यूक्लियंस को शामिल करते हुए लिखते हैं। और ये जो चीज़ है ये क्या है, ये भी टोटल मास है, लेकिन ये कौन सा मास है, ये वैसे हम ओवरऑल मास ले रहे हैं और ये हम टुकड़ों में जोड़ के लिख रहे हैं, है ना। या यूं कहें कि ये जो मास है वो आपका जो है सॉरी एम ए जेड इज़ द मास ऑफ द एटम ऑफ मास नंबर ए एंड द एटॉमिक नंबर जेड, है ना। यानी कि इसको हम लिख ऐसे ही रहे हैं, किस प्रकार से कि इनको कॉन्स्टिट्यूएंट्स की फॉर्म में भी लिखा हमने और उसका अंतर, अगर इसका अंतर ज़ीरो आता है तब तो कोई डेल्टा मिलेगा ही नहीं। लेकिन ये देखा गया है कि मान लीजिए किसी न्यूक्लियस को जब आप तोड़ देते हैं तो उसका जो ये फाइनल जो मास होगा एम, ये हो जाता है डिक्रीज, ये घट जाएगा, ठीक है। और वैसे आप इसका टोटल मास लिखना चाहो तो वो तो वही रहेगा कि प्रोटॉन्स कितने हैं न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उनके मास से उसको मल्टीप्लाई करो उसको जोड़ दो, तो इनका जो अंतर मिलेगा आपको वो मिलेगा मास डिफेक्ट के बराबर। और इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी जेड एम पी प्लस एम एन जेड एम एन माइनस एम ए जेड इंटू सी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब ये तो हो गया फॉर्मूले की बात, ये जो हाईलाइट करके लिखा है वन एटॉमिक मास यूनिट ए एम यू इक्वल टू 1.66 इंटू 10^-27 किलोग्राम। देखिए हर जगह अपन ये लिखे 1.66 इंटू 10^-27 किलोग्राम, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर एटॉमिक मास यूनिट से। एक प्रोटॉन का जो मास है उसको हम वन एटॉमिक मास यूनिट के इक्विवेलेंट लिखते हैं, यानी कि अगर कहीं पर भी न्यूक्लियर मास को लिखना है तो वहाँ पर ये बार बार ये किलोग्राम में नहीं लिख के वन एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में लिखा जाता है। तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब अगर एक प्रोटॉन किसी न्यूक्लियस में से निकल रहा है तो कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम की वैल्यू 1.66 इंटू 10^-27 हो गया और सी की जगह 3 इंटू 10^8 हो गया इंटू 10^8 और इसका होल स्क्वायर हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.49 इंटू 10^-10 जूल, जूल की फॉर्म में आई, है ना। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से रिलेशन हमारे पास कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10^-19 जूल, तो ये एक जूल कितना होगा, एक जूल कितना होगा 1/1.6 इंटू 10^-19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे 1.6 इंटू 10^-19 से, तो जो एनर्जी मिलेगी वो आपको मिलेगी ई इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक प्रोटॉन या एक प्रोटॉन को जब किसी न्यूक्लियस से निकालते हैं तो इतनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, या जोड़ते हैं तो इतनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ये बाइंडिंग एनर्जी होगी एक तरह से प्रोटॉन की, जिसको कि हम एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में भी लिख रहे हैं, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ से 0.002389 एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करना है और जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना मास 0.002389 एटॉमिक मास यूनिट का जो मास है वो है 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्विवेलेंट। ठीक है, ये सारा जो एटॉमिक मास यूनिट है ये आगे कई जगह यूज़ आएगा, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना चाहिए कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है और इसको किस प्रकार से एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, जहाँ भी मास दिख रहा है एटॉमिक मास यूनिट में उसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एनर्जी के रूप में मास मिल जाएगा। थैंक यू।